नमस्ते, मैं ज्योति प्रकाश दास, ब्यूटी ऑफ उड़ीसा के मेंबर। तो ये अभी मंदिर का ये जो दिशा है यहाँ पे है, यहाँ पे चारों ओर से हम देख सकते हैं। बहुत प्राचीन मूर्ति है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी कुछ तथ्य हम ले सकें, उनसे भी पूछ के कुछ तथ्य ले सकें, इसका डिटेल, इसका कारुकाज देख सकते हैं। ये इसका जो जॉइंट हुआ है, मतलब कि ये सीमेंट फीमेंट कुछ नहीं लगा या कोई ईंट या पत्थर से नहीं है। ये जो पत्थर है मतलब कि ब्लैक कलर का एक है, बहुत पुराना है, जैसे कि सन टेम्पल में हम लोगों का होता है वैसे यहाँ पे इसका जो पत्थर है वहीं से बनाए हैं। देख सकते हैं कि उस समय के राजा महाराजा जो थे कैसे बनाए थे ये। यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति भी है। और ये आज का मंदिर नहीं, बहुत साल पुराना मंदिर है, अभी भी बहुत अच्छे है, अच्छी में है। यहाँ पे जब फरवरी के महीने में जागर होता है तो वहाँ पे इस चैन से दीप जाता है वहाँ पे, यहाँ पे दीपक जलाया जाता है उस टाइम को। जागर में जो दीप चढ़ता है ना मंदिर में, वही यहाँ पे होता है। हम पूछेंगे, देख सकते हैं कि बहुत प्राचीन मंदिर, सभ्यता भी बहुत पुराना है यहाँ का, जिसके हम चारों ओर पहले देख लेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन डिजाइन मतलब कि और मंदिर से भी बहुत डिफरेंट है, देख सकते हैं। टोटल ये ब्लैक कलर का एक पत्थर होता है उससे ही बनाया हुआ है, उसको कंस्ट्रक्ट करके ये बनाए हैं। यहाँ पे कोई भी सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। हंड्रेड फीट का ये मंदिर। और हाल ही में हम देखें कि इसके पास भी एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर, ये माँ किचकेश्वरी जी का जो मंदिर है, ये बहुत विख्यात है यहाँ पे। यहाँ पे इसका जो कारुकला है ये मतलब कि कहीं से भी मैच नहीं करता, ये बहुत डिफरेंट है। और अभी हम यहाँ पे हमको हम आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग